हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बथुआ की दाल, जिसके लिए मैंने ये अरहर और चना दोनों मिक्स हैं। इसको 3-4 घंटे मैं इसको पानी में भीगने के लिए छोड़ दी थी और इसको वॉश कर लिया है अच्छे से। और ये साथ में टमाटर है, ये मटर है और ये बथुआ है, जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके और कट कर लिया है। और ये कुकर है, कुकर में मैं ये चना और अरहर की दाल जो मिक्स है उसको मैंने इसमें डाल दिया है। और इस मटर को मैं इसमें डाल रही हूँ। बथुआ जो कट किया हुआ है इसमें डाल रही हूँ। और टमाटर है, दो टमाटर है, इसको कट करके मैं इसमें डाल दी हूँ। इसमें पानी में बस थोड़ा ही डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि ये पानी खुद ही छोड़ेगा। थोड़ा सा पानी डाली हूँ, 1 से 1.5 कटोरी के लगभग मैंने पानी इसमें डाला हुआ है। डाल रही हूँ नमक, डाल रही हूँ मैं। अब मैंने ये लीड लगा दी है और 3-4 सीटी तक मैं इसे पकाऊंगी। 3-4 सीटी होने के बाद इसको मैं बंद कर दूंगी। ये हमारी दाल पक गई है, तो इसे करछुल की सहायता से हम इसको थोड़ा सा अच्छे से मथ लेंगे। और बिल्कुल परफेक्ट हो गई है हमारी। अगर आप दाल को और पतला रखना चाहते हैं तो इसमें गर्म पानी आप डाल सकते हैं। ठंडा पानी मत डालिएगा, गर्म पानी डालिएगा इसको तो ये ठीक रहेगा, नहीं तो ठंडा पानी डालेंगे तो ये अलग अलग टाइप का हो जाएगा। इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है गर्म होने के लिए। ये तड़के के लिए है, ये प्याज मैंने लिए है एक, इसको मैंने कट कर लिया है। लहसुन है, इसको मैंने कट नहीं किया है, ये ऐसी दाल में अच्छा लगता है, कट करने से मिक्स हो जाता है। और ये करी पत्ता है, वॉश कर लिया मैंने इसको। ये हरी मिर्च है, दो मैंने छोटी छोटी कट कर ली है। तेज पत्ता, ये सूखी लाल मिर्च और ये जीरा है। कढ़ाई मेरी गर्म हो गई है, अब इसे मैं मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ। ये ऑयल गर्म हो गया, मैंने इसमें जीरा डाल दिया है। ये प्याज है, लहसुन डाल रही हूँ, ये कड़ी पत्ता है और ये सूखी मिर्च, हरी मिर्च और ये तेज पत्ता, इन सबको मैं डाल दूँ। प्याज को ब्राउन करेंगे, इसमें ये चिली फ्लेक्स डाल देंगे थोड़ा। बहुत
ही हल्का गरम मसाला डाल रहे हैं, बहुत हल्का डालेंगे इसको। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए प्याज हम ब्राउन हो गया है, इसमें दाल को डालेंगे। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ये। दाल को डालते समय बिल्कुल लो फ्लेम रखेंगे। ये देखिए हमारी भदुआ की दाल बिल्कुल तैयार हो गई है। ये तड़के में मैंने दाल डाल दी है और इसको उबाल आने से पहले ही हम बंद कर देंगे, क्योंकि उबाल आने जब ये उबाल आएगा तो दाल हमारी अच्छी नहीं दिखती है, फटी फटी टाइप की लगती है। इसलिए बिना उबाल आए ही हम दाल को बंद कर देंगे, अच्छे से मिक्स करके फिर इसको बंद कर देंगे। ये देखिए दाल हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। अच्छा दिख रहा है दाल ये, और खाने में भी काफी टेस्टी है। अगर आपको मेरी ये दाल की रेसिपीज अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।